नमस्कार, आप सबका स्वागत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आनंद बख्श साहब ने क्या खूब लिखा है, ये अपने आप में एक फिलॉसफी है। अगर आप उस पूरे गाने को सुनेंगे, बहुत कुछ लिख दिया है कि कैसे जो कैरेक्टर है वो लाइफ जी रहा है, उसको क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और वो उसका क्या कर रहा है, जो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे साथ वो क्या करता है। बहुत अच्छा गाना लिखा है, अभी उसके ऊपर तो बात ज़्यादा नहीं करेंगे, आप फिर कभी फुर्सत से सुनिएगा गाना ज़रूर। अभी के लिए इम्पोर्टेंट एक बात है कि आपके अधिकतर विचार यही है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। आपको अपने आप को शांत करना है तो ये लोग क्या कहेंगे ये सेंटेंस निकाल दो। ये सेंटेंस निकालने से बहुत फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि आसान है, इट टेक्स टाइम प्रैक्टिस, क्योंकि आदत लगी हुई है तो हर बार वो थॉट आएगा। जैसे वो थॉट आएगा कॉन्शियसली उसको निकालो। हम कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि सब लोग हमारे बारे में सोचेंगे, कोई नहीं सोच रहा है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आपको जो करना है करो, इतना सा मंत्र है। कॉन्शियसली हर बार जब ये लाइन आपके मन में आती है तो उसको निकाल दो अपने मन से और जो करना है करो। आप देखोगे कि वो करने के बाद किसी ने उसके ऊपर आपको कुछ नहीं बोला। आप बेकार में ही, हम लोग बेकार में ही सोचते हैं कि कोई ना कोई इसको देख रहा है और कोई उसके ऊपर कुछ कमेंट कर देगा, और समझो किसी ने कुछ कमेंट कर भी दी, कुछ बोल दिया बुरा कि क्यों ऐसा किया तुमने या ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो तुमने किया, तो उसको एक आपकी जो सबसे प्यारी स्माइल है, जो सबसे स्वीट स्माइल आप दे सकते हो वो उसको दे दो। उसको बोलो नहीं बस मन में आया तो मैंने कर दिया, भूल जाओ। एक बुरा विचार आपके मन में किसी ने डाल दिया था, उसको बोलो थैंक यू आपकी राय देने के लिए और निकल जाओ, छोड़ दो वहीं पे। वो इंसिडेंट हुआ था, वो घटना हुई थी, उस टाइम को निकाल दो, वो गया पीछे, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो मन में आया वो हमने किया, हमको अच्छा लगा जो हमने किया, बस किसी और का जान बूझ के नुकसान मत करो। लेकिन याद रखो कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देने में आपका बहुत वक्त वेस्ट होता है, कॉन्शियसली उसको निकालो। इतना ही संदेश था आज के लिए, और सुनते रहने के लिए, देखने रहने के लिए थैंक यू। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।